हम लोग हैं जी यूबीएल कॉम्प्लेक्स हमारे जो है लेफ्ट साइड पे है और हमारे राइट साइड पे बहुत ही बड़ा मॉल इसका नाम है इसी का बताओ। चलो ये देखें जी, ये यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम एंटर हो रहे हैं और ये हमारे सामने जो एक रोड आ रही है बहुत बड़ी लंबी रोड है। ये बच्चे खेल रहे हैं और ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं सामने। और ये हमारे सामने हम अभी एंटर हो रहे हैं यूपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये मैच हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त कायदे आज़म ट्रॉफी का और यहाँ पे बहुत फेमस क्रिकेटर्स पाकिस्तानी भी डेफिनेटली होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। और इस टाइम हम एंटर हो रहे हैं राइट साइड पर भी कुछ चल रहा है लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट मैच है जी वो हो रहा है लेफ्ट साइड पर, जिसमें आपके बहुत ही बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर सरफराज अहमद जैसे ये देख। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे यहाँ एक बहुत खूबसूरत कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच चल रहा है और हमारे राइट साइड पे नौजवान खिलाड़ी अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। अभी बॉलिंग हमाद आज़म करा रहे हैं। कोई एक छुट्टी है, बहुत सारे इधर तो देखें yes. ये मेरे दोस्त नाम आसिफ भाई जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आज ही इधर ही मौके पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये क्या करेंगे इंटरव्यू? वो नहीं हो रही है ना सेमनी, उधर से आओ जरा। सेरेमनी तो मैच के बाद होती है। जब सुहेल भाई आ रहे हैं जी वॉक करते करते बड़े आराम से इसको मिलने के लिए, सारी आवाम खड़ी हुई है, ताहा शब्बीर भी खड़े हैं। मेरी भी लेने में जा रहा हूँ, ठीक है चलो जाओ। सुहेल भाई फोटो दिखा दे, फोटो लो उसके। जी फराज भाई बताइए।
बताइए जरा। जी सर, आज बड़ा अच्छा दिन रहा, जैसा कि हम काफी सारे स्टार्स के साथ आज हमने कन्वर्सेशन की, उनके साथ उनसे अब पूछा कि आइंदा उनके क्या प्लान्स हैं और कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, उसमें माशाल्लाह जुनेद खान थे, उसमें उस्मान शिनवारी साहब थे, उसके अलावा मोहम्मद वसीम भाई थे, जिनसे मिलकर बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा उन्होंने माशाल्लाह एंटरटेन किया हमें, चाय और साथ बिस्किट और जो भी था। और उसके अलावा ये है कि एक दो और प्लेयर्स भी थे, सुहेल तनवीर भाई थे, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छा मैच देखने को मिला। इसके अलावा प्लेयर्स माशाल्लाह उनका जो बिहेवियर था और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को रिसीव किया।